लिमिट थीटा एक्सटेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा एक्स माइनस ए बराबर एन इंटू ए पर पावर एन माइनस वन। पहला फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा एक्स माइनस ए बराबर एन इंटू ए पर पावर एन माइनस वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई पर पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए पर पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर लॉग ए टू द बेस ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स बराबर हो जाएगा वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स बटा एक्स बराबर वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग वन माइनस एक्स बटा एक्स बराबर माइनस वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, टेन थीटा बटा थीटा बराबर वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, कॉस थीटा बराबर वन। ये सब आप लोग को हम बता दिए थे, हैं? अब देखिए इसका सिमिलरली फॉर्मूला, जैसे देखो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए बराबर वन होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए बराबर वन होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टेन एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए बराबर वन होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स माइनस ए बराबर भी वन होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ए बटा एक्स बराबर वन बाई लॉग ए टू द बेस ए होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग वन माइनस एक्स टू द बेस ए बटा एक्स बराबर माइनस वन बटा लॉग ए टू द बेस ए माइनस वन बाई लॉग ए टू द बेस ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स बराबर वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स बराबर वन। ये सब देखिए फॉर्मूला होता है ना, ये सब का यूज भी आप लोग को बताया जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए बराबर कितना वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टेन एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए बराबर वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स माइनस ए बराबर वन। ये सब फॉर्मूला आप लोग को देखिए बताया जाएगा, है ना, इसका यूज भी आप लोग को सिखाया जाएगा। कल आप लोग को हम दिए थे कुछ मैथ बनाने के लिए, याद है? बनाए हैं आप लोग? देखिए 29 एक्सरसाइज 29.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बतावे ना। Thank you.
देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स टू दी पावर फोर माइनस 81 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू फाइंड करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स टू दी पावर फोर माइनस 81 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 पर पावर 4 माइनस 81, 3 पर पावर 2 माइनस 9, तो आ जाता है 0 बटा 04। और वो 0 बटा 04 को हटाना है क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, मीनिंगलेस फॉर्म कहलाता है, और मीनिंगलेस फॉर्म को हटाना चाहिए क्योंकि लिमिट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। लिमिट रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब लिमिट का ऑलवेज वैल्यू रियल नंबर आना चाहिए। और लिमिट का वैल्यू कैसे आता है, जब x के स्थान पर ये टेंड्स टू, ये x है, ये वाला x के स्थान पर ये वाला टेंड्स टू पुट करते हैं, तो अगर पुट किए तो 0/0 आया है ना, और ये भी 0/0 को हटाना है, जिसके लिए जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है उसको चलाना है, राइट ना, जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है उसको लेके चला लेना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस 9 पे स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये देखिए आसानी से कट जाएगा, और x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पर स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 18। एक बार और समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 9। लिमिट एक रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब जो भी नंबर आना चाहिए लिमिट में वो रियल नंबर आना चाहिए, और रियल नंबर लाने के लिए टेंड्स टू का वैल्यू पुट करिए। अगर पुट करते हैं एक्स के जगह पर आता है तो 3 पर पावर 4 माइनस 81 और 3 पर पावर 2 माइनस 9, तो 0/ फॉर्म आ रहा है, और ये 0/0 फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस फॉर्म, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना है क्योंकि ये सब लिमिट में आंसर कभी नहीं लाना है। अगर ये सब लिमिट में आंसर आ रहा है, बताएं थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और अगर ऐसा आता है तो उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इसमें देखिए एक्स टू दी पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, ये 81 है तो 9 पर स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों कट जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पर स्क्वायर प्लस 9 यानी 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 18। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लिखिए आप लोग, देखो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 1/2 एट एक्स क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई 2x+1 का वैल्यू फाइंड करना, और इसमें देखिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 1/2 टू एक्स क्यू प्लस 1 पर क्यू बटा 2x+1। 8x³+1 को लिख सकते हैं 2x³+1³, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 1/2 टू एक्स प्लस 1 टू एक्स पर स्क्वायर
टू एक्स इंटू वन प्लस वन पर स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन बाय टू, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, फोर इंटू माइनस वन बाय टू पर स्क्वायर, टू इंटू माइनस वन बाय टू प्लस वन, फोर इंटू वन बाय फोर, टू टू प्लस वन प्लस वन, और वन प्लस वन प्लस वन बराबर कितना आ गया है? किसी को दिक्कत? कोई बच्चे को? लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स पर पावर फोर माइनस सिक्सटीन बटा एक्स माइनस टू का वैल्यू निकालना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस फोर पे स्क्वायर बटा एक्स माइनस टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा एक्स माइनस टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स पर स्क्वायर माइनस टू पर स्क्वायर बटा एक्स माइनस टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कट जाएगा, टू पर स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू प्लस टू, फोर प्लस फोर इंटू फोर, चार चार आठ इंटू चार बराबर थर्टी टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी बटा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव का वैल्यू निकालना। लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, एक्स स्क्वायर पांच छब्बीस फाइव, फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी बटा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स प्लस। लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, ये दोनों से एक्स कॉमन, ये दोनों से फाइव कॉमन, ये दोनों से फाइव कॉमन तो एक्स माइनस फोर बटा ये दोनों से एक्स कॉमन, एक्स माइनस फाइव माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव बटा एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, ये दोनों कट जाएगा। एक्स का वैल्यू फाइव पुट करेंगे, फाइव माइनस फोर फाइव माइनस वन, वन बटा कितना? फोर। कोई दिक्कत किसी बच्चे में? नहीं ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर, इसका फैक्टराइज कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू पर स्क्वायर और यहां पर देखिए फैक्टराइज करेंगे, टू रूट टू माइनस रूट टू एक्स माइनस फोर। लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, ए प्लस बी इंटू ये दोनों से एक्स कॉमन, माइनस रूट टू कॉमन तो एक्स प्लस टू रूट टू, क्योंकि रूट टू से मल्टीप्लाई करिए तो फोर आ जाएगा ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस टू रूट टू रूट टू प्लस रूट टू टू बाई थ्री को दिक्कत? चलिए लिखिए,
limit x tends to 1 x to the power 4 minus 3x cube plus 2 beta x cube minus 5x square plus 3x plus 1। ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टराइज देखिए बताना है, और फैक्टराइज के लिए डिवाइड रूल देखिए अपनाते हैं। तो ऊपर वाला का फर्स्ट फैक्टराइज, नीचे वाला का फर्स्ट फैक्टराइज, जो टेंस टू दिया हुआ रहता है ना, यही होता है, मतलब x बराबर 1, तो पहला फैक्टराइज क्या हो गया, x माइनस 1 बराबर 0, जो भी टेंस टू के साथ में रहे उसको बराबर का साइन बराबर दे देना है, और बराबर देने के बाद x माइनस 1 जो आया, ये जो फैक्टराइज आया है, ये ऊपर पॉलिनोमियल का और दोनों पॉलिनोमियल का यही फैक्टराइज होता है। 10 क्लास में आप लोग जो है ना दिया हुआ रहता था कि x माइनस 1 से डिवाइड रहता था ना, लेकिन इसमें सिर्फ यही आपको पता करना है कि पहला फैक्टराइज कौन होगा। तो पहला फैक्टराइज पता करने के लिए जो टेंस टू रहता है ना, x टेंस टू का वैल्यू 1 के बराबर, जो भी है टेंस टू का वैल्यू, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे पॉलिनोमियल का फर्स्ट फैक्टराइज आ गया है x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 से डिवाइड दे रहे हैं, x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2। अब यहां पर देखिए कितना से मल्टीप्लाई करें, x क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिखा जाता है x टू दी पावर 4 माइनस x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2 आएगा, देखिए आएगा ना, और उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस 2x से इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस, फिर माइनस करेंगे, तो ये वाला देखिए दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस 2x प्लस 2, फिर उसके बाद देखिए कितना से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x प्लस 2 कितना आ गया, और डिवाइड एंड बराबर होता है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस जिसके मेंबर रिमाइंडर होता है ना, और उसके बाद देखिए x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, एक्स स्क्वायर से गुना, एक्स स्क्वायर से क्या सही करेंगे, गुना करके लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, माइनस फोर एक्स, तो फोर एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स को लिखा, और यहां पर देखो माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये कैसे होगा, माइनस 5 में से माइनस 8 चल जाएगा तो प्लस माइनस 4 ही ना होगा। और एक देखिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज बराबर भाजक गुने भाग पर, हाँ है ना, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, डिवाइड पढ़े है ना, और यहाँ पर देखिए यही रूल चलाएंगे, ये मेथड देखिए आपको हो गया डिवाइड मेथड, और एक और रूल होता है हीट एंड ट्रायल मेथड वाला, और लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहां पर देखिए x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 के स्थान पर लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 0, मतलब x माइनस 1 इनटू
x cube minus 2x square minus 2x minus 2 divide बटा divide और x minus 1 into x square minus 4x minus 1 ये दोनों देखिए कट जाएगा और x का वैल्यू 1 रखिए 1 cube 2 into 1 square 2 into 1 minus 2 बटा 1 per square minus 4 into 1 minus 1 1 minus 2 minus 2 minus 2 1 minus 5 2 2 4 2 6 में से 1 जाएगा बटा minus 4 बराबर 5 बटा 4 कोई दिक्कत ये तो 10 ही क्लास वाला है अभी जितना भी मैथ है फैक्टराइज वगैरह जो है ना सब बैक क्लास का केवल इसमें लिमिट लगा दिया है बस लिखिए आप लोग देखिए अगर ये सभी को नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग फैक्टर डिवाइड वगैरह जो है ना अच्छा से देने के लिए सीखे तो सब समझ ही गए होंगे अगर किसी को परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप लोग